नमस्कार जोहार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। युवा क्या होता है? युवा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा को उल्टा कर दें तो वायु होती है। वायु वो है जिसे कोई बांध नहीं सकता, एनर्जी का एक ऐसा स्रोत जिसे अगर काबू में कर लिया जाए तो पूरा भारत फिर से विश्वगुरु बन जाए। लेकिन हम क्यों नहीं विश्वगुरु बन पा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। मेरे साथ कुछ युवा हैं, आज विश्व युवा दिवस पर भटकते हुए सूखे होठों के साथ, सूखे हुए मुंह के साथ वो टीवी 45 दफ्तर में मुझसे मिलने आए। और इनकी कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि आज विश्व युवा दिवस पर आपको भी ये कहानी जाननी चाहिए कि कैसे इन युवाओं को बरगलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है एक अदद नौकरी के नाम पर। इन युवाओं से आपका तारुफ करवाऊंगा। देखिए, पूरे युवाओं का एक जाब्ता मेरे साथ है, इन तमाम लोगों से आपको मिलवाऊंगा। मेरे साथ राजू महतो साहब भी है। देखिए, ये तमाम युवा है, इन्होंने अपनी जिंदगी, जो अब तक का इनका जीवन है, पैरामेडिकल की पढ़ाई में इन्होंने वो जीवन दिया है। पैरामेडिकल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लैब टेक्नीशियन होते हैं। जब आप अस्पतालों में जाते हैं, खून खून की जांच होती है, एक्सरे होता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर काटा जाता है, ये तमाम काम इसकी पढ़ाई होती है जिसको पैरामेडिक्स कहते हैं। और वो पैरामेडिकल की इन्होंने पढ़ाई करी है। लेकिन गजब की बात यह है कि आज तक पैरामेडिकल की कोई स्पष्ट वैकेंसी झारखंड में आई नहीं है। इन लोगों से ही बात करते हैं, झारखंड के युवा हैं। देखिए राजू मैं तो मेरे साथ है। सबसे पहले राजू दा, क्या होता है पैरामेडिकल, पहले दर्शकों को एक बार बताइए तो। देखिए, पैरामेडिकल जो है ना, मूलतः तो चिकित्सा विभाग का शुरुआती है। अच्छा, मतलब जैसे कि आप हॉस्पिटल गए तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो उसका भी एक क्रमबद्ध तरीका है। जैसे आप गए तो आप गए, मान लो आपको चोट लगा है, तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए ड्रेसर आएगा, वो पैरामेडिकल का एक पार्ट है। अच्छा, यदि ड्रेसिंग वो पेशेंट नॉर्मल वे में है, चोट उट लगा है माइनर, तो वो इलाज करेंगे। यदि वो व्यक्ति ज्यादा चोट लगा है तो वो ओटी में जाएंगे। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में जाने के पूर्व उसको बहुत सारे प्रक्रिया से होकर गुजरने पड़ती है। एनेस्थीसिया होता है, ये होता है, तो होता है। उसके जैसे ही ओटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति बीमार ज्यादा है, इसके लिए अगला प्रक्रिया है, तो पहले उसका जांच होगी, तो लैब में जाएगा कि ये व्यक्ति ऑपरेशन लायक है कि नहीं, इसका ब्लड लेवल है कि नहीं है, वो सारा चीज जांच होंगे। उसके बाद उसका अगला जांच कौन करता है? लैब टेक्नीशियन, वो भी पैरामेडिक्स, आपको पूरा वे में ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो जांच किए कि ये व्यक्ति एलिजिबल है। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन लाइक, तब उसके बाद जाएगा आपका एनेस्थेसिया, वो भी एक पार्ट है पैरामेडिक्स। वो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन होता है, वो अलग से पढ़ाई होती है, पैरामेडिक्स से वो अपना भूमिका निभाएंगे, उससे फिट होगा, तब जाएंगे ओटी पे, ओटी टेबल पे। ठीक है, तो ओटी टेबल को सजाना मेरा ही एक, वो भी पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स करेंगे फिर से। उसके बाद जाके डॉक्टर उस पे अपना पैरामेडिक्स के लिए बहुत सारी नौकरी निकलती होगी झारखंड में, चूंकि इतना काम है तो बहुत नौकरी। क्या नौकरी? तो विगत 23 वर्षों में पहली बार सरकार एक बहाली निकाली है। आज तक बहाली नहीं निकली ना, बहाली बोल के मतलब सरकार नियमित तो कोई बहाली नहीं निकाली है, यही पहली बार 31/12/2023 को एक बहाली निकाली। ये भी अजब, इसमें एक अजीब सा विडंबना है इसके बारे में। क्या बताइए? इसमें सबसे मूल चीज है, ये जो बहाली निकाली गई है, इस बहाली में कथाकथित एक व्यक्तिगत लोगों को नियुक्त कराने का एक साजिश है जेएससीसी। अच्छा, ये नियुक्ति जेएससीसी निकालती है? जेएससीसी निकाली है, ये जेएससीसी को मुहरा बनाने का काम, जेएससीसी को सामने रख के कथाकथित लोगों को नियुक्त कराने का ये साजिश है सरकार की। कैसे? जैसे कि अभी जो इस बहाली में जो नियुक्ति नियमावली है, उस नियुक्ति नियमावली में काफी अनियमितताएं हैं। सबसे पहले इसमें नियुक्ति नियमावली में किसी का, व्यक्ति का बहाली होने के लिए उसमें उसका एक मापदंड होता है। ठीक है, उस हाँ में, इसमें मापदंड में झारखंड में 2006 से लेके अभी तक पढ़ाई हुई है, लेकिन इस मापदंड में विडंबना है कि 1984 का भी बात कर रहा है। 1984 का भी बात कर रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति 1984 में 94 में जो व्यक्ति मैट्रिक
किया है उन व्यक्ति को वो व्यक्ति मैट्रिक में ही 1994 में अगर कोई मैट्रिक करेगा, मतलब मैं सामान्य गणना कर रहा हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप लोग इतना, लेकिन मतलब नॉर्मल नर्सरी पढ़ता है लोग, उसके बाद अगर सरकारी में पढ़ा तब कम बात करें, प्राइवेट का छोड़ देते हैं, नर्सरी पढ़ेगा, नर्सरी के बाद एक प्रेप होता है, प्रेप में पढ़ता है, उसके बाद पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, फिर दसवां, मतलब 12 साल। तो 12 साल मतलब 1994 से 12 साल पहले गए तो कितना साल हुआ, 1982 हुआ, तो मतलब 82 में जो पैदा होगा, तो 82 में जो पैदा होगा तो 2024 में वैकेंसी में अगर नौकरी करेगा तो कितना साल का होगा, 50 साल से ऊपर के आदमी को नौकरी देगा तो उसको आंख से सूझ भी नहीं करेगा, तो किसको एनेस्थीसिया सुंघाएगा और किसका प्लास्टर करेगा। इसी के लिए तो नियम बनाया है कि वो जो कर्मचारी जिनका बात करें उसको 55 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। मतलब कौन है ऐसा जो 55, वो जो अनुबंध पे कार्यरत कर्मी है, ये बहाली सिर्फ अनुबंध में कार्यरत कर्मी को नियुक्त करवाने का सरकार ये साजिश है। आप बोलिए जो आप, तो जो अनुबंध में काम कर रहा हूँ 55 साल तक भर सकता है। और आप लोग आउटसोर्स वाले हैं, आप लोग फ्रेश भी है, ये फ्रेश भी है, आउटसोर्स भी है, अभी 9 साल से कार्यरत कर्मी है। सवाल मेरा ये है, पहले उसमें आते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि जो व्यक्ति 82-83 में जन्म लिया उसके लिए अलग नियम, और जो 90 के बाद जन्म लिया उसके लिए अलग नियम इस बहाली में किया है। अच्छा, दोनों के लिए अलग नियम, अलग नियम, इसलिए नियम है, वो मैट्रिक पास करके ये फॉर्म, वो अपना समय में मैट्रिक किया है, वो मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा आज का एससी के साथ। एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार। आदर्श, क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र 23 साल। डेट ऑफ बर्थ? मतलब साल 2000। तब तो आप जिंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाई है? कितना पैसा लगा के पैरामेडिकल का पढ़ाई की है? कम से कम 3-4 लाख रुपया। क्या कोर्स होता है पैरामेडिकल का? पैरामेडिकल में हम लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं। डिप्लोमा है? डिप्लोमा कोर्स किया। कितना साल का होता है? ये 2 साल का होता है, और अभी एक सरकार नियम बनाई है कि 1 साल और इंटेंसिव लिया जाएगा, मतलब समझिए कि 3-3.5 साल 3-4 लाख रुपए खर्चा करके 3-3.5 साल 3-3.5 साल आप इसमें दिए। जो लोग को भरने का कोशिश है उन लोगों के लिए क्या नियम है, उन लोग क्या करता है? वो लोग भी सेम काम, मतलब आप तो कितना इंटरमीडिएट के बाद किए हैं? इंटरमीडिएट के बाद किए हैं, और जो आउट जो संविदा वाला है वो लोग, मतलब जो किया गया है तो लोग 10th के बाद भी कर सकता है। 10th के बाद भी बहुत उसमें ऐसा कैंडिडेट है जो 10th के बाद भी वो एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स करके वो भी काम कर रहा है। तो मतलब जो सर्टिफिकेट कोर्स वाला है 1 साल जो किया है उसको जो 3 साल आप लोग खपा दिए, दोनों को बराबरी में खड़ा कर दिया, दोनों को बराबर में खड़ा किया है। उसका भी लेवल 5, हमारा भी लेवल 5, तो क्या हम क्यों 3 साल हम अपना क्यों बर्बाद किए भाई? कौन नियम बना रहा है जी ऐसा कि 3 साल 3-4 लाख रुपये खर्चा कर दी तो वैसा ही हो गया कि बीटेक का डिप्लोमा वाला एक एग्जाम को भर दे रहा है और दोनों को बराबरी में खड़ा कर दे रहा है? राजू था क्या, कौन नियम बनाता है भाई ऐसा? नियम आपको तो बोले कि सरकार इस नियम जो नियुक्ति नियमावली, इसमें पूरा नियुक्ति नियमावली सिर्फ संविदा में कार्यरत कर्मी के लिए। नियमावली है आपके पास? जी एकदम। दिखाइए तो थोड़ा सा हम लोग भी देखें क्या क्या नियमावली में कंडीशन है, एक बार बताइए। देखिए अभी इधर कैमरा की तरफ दिखाइए, देखिए इधर आइए ताकि हम लोग कैमरा की तरफ, इधर लाइए कैमरा को, इधर लाइए, हाँ इधर फोकस करिए थोड़ा सा। इसमें अभी लैब टेक्नीशियन का 636 का बहाली है, ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला, देखिए ये देखिए यहाँ दिखाइए, प्रयोगशाला प्रावैधिक, प्रावैधिक, ठीक है, इसमें 636 बहाली है। और एक्सरे टेक्नीशियन में आपका है 116 पद का, 116 ये देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक मजाकदार बातें हैं कि जो अनुबंध में कार्यरत कर्मी है 114 आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है, 114 आदमी काम कर रहा है, 116 का बहाली निकाला है, ठीक है। किसको देगा ये? आप लोग के लिए दो है, दो को। इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम हमको इस बात का है कि ये बहाली निकाली है तो ठीक है, ठीक है। हमको प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्या है दिखाइए, देखिए हमको सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जब झारखंड में बहाली निकालती है, इसको दिखाइए, आप झारखंड में बहाली निकालते हैं, बात करते हैं पटना और दरभंगा का है इसमें, हाँ है, हाँ देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें तकनीकी योग्यता लिखी है, राज्य सरकार का प्रशिक्षण संस्थान यह था RMCH रिम्स, ये तो ठीक है। अब PMCH पटना, PHI पटना, DMCH दरभंगा, अथवा भारत सरकार राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त किसी संस्था, मतलब पूरे भारत के लिए, हाँ, पूरा देश के लिए बहाली निकाली गई। उससे भी मजाकदार नीचे देखिए, उसके बाद वो क्या क्या ऐसे लोगों भी भर सकता है जो 1 साल की है ट्रेनिंग, ये वाला, हाँ 10th बेसिस पे, अच्छा ये वाला, मान्यता प्राप्त,
ये वाला ना, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या 1994 के पूर्व दसवीं या मैट्रिक उत्तीर्ण है, मतलब 10th बेस। मतलब आप बोलिए बहाली निकालते हैं 2023 में और बात करते हैं आप 94 का, तो इसका मतलब कथा कथित 21 साल पहले का आदमी को देने के लिए बहाली निकाली है। इसमें तो यही ना स्पष्ट होता है कि 21 साल पहले वाला व्यक्ति को नौकरी देना है, और आज जो जुआ है वो जुआ काम करने का लायक नहीं है। जो व्यक्ति 50 साल का है वो काम ये करेगा, जुआ नहीं काम करेगा। अच्छा तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, गजब बात है। मैडम आप आइए, इधर आइए। ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, इसको बदतमीजी कहते हैं, लेकिन आपका मतलब जो जन्म है कौन सा साल में हुआ? 98। तब तो आप भी ये वैकेंसी नहीं है भर पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें जो किया हुआ है वो पूरा दिया हुआ है संविदा बेसिस पे ही, 10th बेसिस पे वो भी भर सकता है ये फॉर्म। तो फिर हम आईएससी, वो भी आईएससी बायो के साथ, हम क्यों फिर पैरामेडिकल लेके पढ़ेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे क्यों? अच्छा, पैरामेडिकल का आप लोग का जो कोर्स होता है, मतलब उस कोर्स में आप लोग 2 साल देते हैं प्लस 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं, 3 साल इंटर्नशिप अभी चालू, वो भी 12th के बाद। और जो लैब अटेंडेंट है आईएससी के, और उसमें आपका बायोलॉजी रहना कंपलसरी, लेकिन जो लैब अटेंडेंट है 1 साल का जो डिप्लोमा, मतलब वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, तो उसमें क्या कोई बायोलॉजी कोई जरूरी नहीं, वो 10th बेसिस पे, मतलब वो तो कोई भी कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी वो ही चीज को इक्विवेलेंट कर दिया गया है इस चीज में, कि जो अटेंडेंट का कोर्स किया 1 साल का या डिप्लोमा किया हुआ, दोनों इक्विवेलेंट है। ये तो गजब की बात है। इसलिए चलिए, और दादा अब फिर सीधा आइए, चलिए दूसरी बात आपको जो यहाँ पर एतराज है वो बताइए। एतराज है कि आप इस चीज को तो देखें कि आप झारखंड में बहाली निकालते हैं और बात करते हैं पटना दरभंगा पूरा देश का, तो यहाँ सरकार ये तो कर सकती कि दूसरे राज्यों में जो पैरामेडिकल की बहाली निकलती है वो सिर्फ उसी राज्य के लिए, फिर वहाँ साफ लिखा रखता है कि इस राज्य में वो यहाँ पे वही भर सकता है जो इस राज्य से संबंधित है। अच्छा। और इस राज्य का निवासी है वही भर सकता है, उस राज्य से पढ़ा है। इससे भी जिस व्यक्ति को सरकार अभी जो संविदा में कार्यरत कर्मी है, वो व्यक्ति पे हम लोग पूरा राज्य भर में आरटीआई किए, जो पूरा राज्य भर में जितने कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने निकाला। अच्छा। कि जो व्यक्ति को आप मेरे इक्विवेलेंट बना रहे हैं तो उस व्यक्ति का भी तो वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो क्या कर रही है सरकार साजिश के तहत कि उन लोगों को 10 साल का अनुभव के आधार पे उसको 15 दिन का ट्रेनिंग दे रही है और उसको निबंधित करवा के मेरे बराबरी में खड़ा कर रही है। निबंधित अभी उसको करवा रही है इस बहाली के लिए कि आप निबंधित करवाइए और बहाली में भरिए, उसमें भी हमको आपत्ति नहीं। हमको आपत्ति इस बात का है कि जिस व्यक्ति को मेरे साथ आप खड़ा कर रहे हैं उसका भी तो पेपर वेरिफिकेशन करवाइए। हम दावा के साथ, आप मीडिया के उपस्थिति में आप दावा के साथ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी सरकार अस्थाई करने जा रहा है, अनुबंध कर्मचारी का हम लोगों ने डाटा निकाले, ठीक है, जो व्यक्ति ऑलरेडी अभी ले बैठ अनुबंध, आप इसको समझिए, इसको आपको समझना है। देखिए ये लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आउटसोर्स पे हैं, ये लोग आउटसोर्स पे हैं, और सरकार जिनको रखना चाहती है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे, संविदा पे, संविदा वालों को सरकार रखना चाहती है। उस संविदा वालों में कोई बंगाल का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। आप लोग जो हैं, आप लोग पूरे तरीके से झारखंड के हैं, यही जन्म, यही पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, यही जी जी जी। लेकिन उसमें हमको दिक्कत ये है कि आप जिस व्यक्ति को जॉब दे रहे, जो व्यक्ति 10 साल आपके यहाँ काम कर रहा है उसको नौकरी दे रहे हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। हम आपत्ति है कि जिसका आप नौकरी दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिएगा कि नहीं चाहिए। हम लोगों ने उन सारे कर्मियों को जिसको सरकार अभी वेटेज देने की काम कर रही है, प्राथमिकता है, उन व्यक्तियों का डाटा हम लोगों ने मांगा सरकार से कि कौन कौन जिला में कौन कौन व्यक्ति अनुबंध पे काम कर रहा है। उन लोगों का हम लोगों ने पता किया कि भाई आपके यहाँ कौन कौन व्यक्ति काम करता है। हम लोग आरटीआई के थ्रू झारखंड सरकार से मांगे कि आपके अंदर कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, तो उनका डाटा निकालें। वो बोला कि ये व्यक्ति फलना जगह से लेबर टेक्नीशियन बा एक्सरे टेक्नीशियन काम किए, पास किया। हम लोगों ने उसका सर्टिफिकेट को आधार मान के उस राज्य में आरटीआई किए कि आपके राज्य में इस नाम का कोई पैरामेडिकल कॉलेज है। बोला मेरे राज्य में कोई ऐसा पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है। अरे बाप रे, और उसका प्रमाण भी हमारा पास। ये देखिए ये तो बहुत बड़ा घोटाला है फिर, एकदम है ये तो घोटाला। आप समझिए कि जो नौकरी कर रहा है इन्होंने उसका डिटेल मांगा, सरकार ने उसका सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट को वो जिस राज्य का था उस राज्य में आरटीआई की गई, तो बोलेगा ऐसा तो कोई कॉलेज है नहीं है मेरे यही ना जी, जी, तो जी ये तो फर्जी वाला। और वही लोग व्यक्ति को आज हमारे सरकार 15 दिन का ट्रेनिंग देके उसको नौकरी देने, उसको निबंधित करके फॉर्म भरने का अनुमति देने का काम कर रहा है।
माने वो लोगों को जो पूर्ण रूप में असंवैधानिक है, जिसका पेपर का कोई मतलब कचरा खाना का खरीदा और पेपर को मेरे साथ आकर एक मिनट आप अब आइए। क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु मांझी। बस ये जो बता रहे हैं ये तो फ्रॉड, मतलब एकदम फ्रॉड का मामला बनता है। देखिए फ्रॉड मतलब ये सरासर झारखंड सरकार, आज झारखंड अलग होने के बाद जब फास्ट आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये तो सरासर आप तो सीधे इसमें सीधे तौर से बोल रहे हैं कि पैसा दो और नौकरी लो। आप इसमें आपका सेटिंग है तब जाके आप ऐसा नियमावली बना रहे हैं। आप जब हमको आप जब पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए आप हमको आईसी मांग रहे हैं, उसमें से भी आप हमको मतलब इंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, उसमें अगर हम पास कर रहे हैं, उसमें अगर मेरा रैंक आ रहा तब जाके हम गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ पा रहे हैं, तब जाके हम पढ़ के फिर पास आउट होकर आएंगे तब हम फॉर्म भरने योग्य बन रहे हैं। अरे तो सरकार ऐसा नियम बना दिया है कि आप कहीं से सर्टिफिकेट लेके आइए, पानगुंडी से लेके आइए, जो कॉलेज का नामो निशाना नहीं है उसको आप आज देने का काम कर रहे हैं। बताइए राजूदा और क्या है आपको ऐतराज, वो भी बताइए। ऐतराज है कि आपने उनको वेटेज दिया अनुभव के आधार पे, ठीक है, उन्होंने 10 साल काम किया उसको आप उनको जगह दे रहे हैं, हमको इसका आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि योग्यता जिसका है उसी को जगह दीजिएगा ना सबको। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपका घर में 10 साल कोई भाड़ा में रहा और कल बोल देगा घर का मालिक हम हो जाएंगे, यही ना कर रही है सरकार, यही ना हो रही है। उससे भी हमको सबसे बड़ा आपत्ति ये है कि आप अनुबंध कर्मियों को आप अनुभव के आधार पे 50 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अनुबंध कर्मियों का अनुभव का 50 नंबर दे रहे हैं और ग्रेस मार्क, हाँ ग्रेस मार्क, उसको 55 वर्ष तक तो भरने का अनुबंध दे सकते। मेरा आपत्ति ये है कि जो कर्मचारी झारखंड सरकार से पास आउट स्टूडेंट आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम में कार्यरत कर्मी, वो आज 9 साल 10 साल काम किया, तो उसके लिए आपने नियुक्ति नियमावली में जगह क्यों नहीं दी? कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल ठीक है। उससे भी बड़ी बात थी कि अभी तक 23 साल में सरकार एक पहली बार एक बहाली निकाली, तो सरकार जब झारखंड सरकार 2006 से पैरामेडिक्स की पढ़ाई शुरू किए तो उन अभिवार्थियों के बारे में सरकार अभी तक क्यों नहीं सोचे कि भाई उसको 10 साल का वेटेज देते हैं जो पहला बार पढ़ा, अभी तक 23 साल में पहला बहाली है, तो उन लोग को भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उस पे आप काम नहीं किए, सिर्फ आपने उन लोगों पे काम किया जिनको आपको रखना है। इन सब शिकायतों के साथ आप किसके पास गए? कहीं ऐसा नहीं है पूरा राज्यभर में जिसके पास हम लोग ये शिकायत नहीं दिए, चाहे डायरेक्टर ऑफ चीफ हो, आप सचिव स्वास्थ्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, यहाँ तक कि आज हमारे झारखंड के जो आपका चीफ जस्टिस है उनको भी आज हम लोग आवेदन दे के आए कि हमको न्याय चाहिए, इस राज्य में हमारा न्याय के लिए किसी ने कोई पहल नहीं किए, तो हम आपसे न्याय मांगने के लिए आपके यहाँ आज आवेदन देके हम लोग अभी आए, मुख्य न्याय अब जो हमें झारखंड के मुख्य जो चीफ जस्टिस हैं उनको देके आवेदन आए हम लोग आज। चलिए एक बार, हाँ आइए आइए। और एक बात है कि आज हम लोग काउंसिल गए थे, जो 15 दिन का ट्रेनिंग देके जो संविदा कर्मी को जो बाहर से पढ़ के जो आए हैं उसको जो निबंधन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ये अभिलंब वहां से जो पदाधिकारी है वो अभिलंब वहां बंद करे, नहीं तो हम लोग आने वाला एक सप्ताह में जाके काउंसिल का ताला लगाएंगे और वहां पर जितना भी कर्मी है उसको वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे। अगर ये काम अगर नहीं कर रहा है वहां पर काउंसिल तो काउंसिल को हम लोग बंद करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये युवाओं का आक्रोश है, विश्व युवा, आइए इधर आइए। देखिए एक और युवा है, क्या भाई आज विश्व युवा दिवस है, क्या लगता है मतलब सरकार आपको देख रही है सुन रही है क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम उपेंद्र महतो है और मेरा ये हम लोग जो कोर्स किए हैं इसमें तो पहले हम लोग तो एंट्रेंस एग्जाम दिए, उसमें भी काउंसलिंग में हम लोग को रेसिडेंशियल और कास्ट लिया गया कि तब हम लोग का सीट अलॉट हुआ वहाँ पे, फिर हम लोग पढ़े उसके बाद अभी हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से वहीं कार्यरत हैं, उसके बाद भी हम लोग को कुछ एडवांटेज नहीं दिया जा रहा है। इतना होने के बाद भी हम लोग ना कोविड में भी वहाँ काम किए कि कुछ तो हम लोग का सरकार हम लोग के बारे में सोचे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है। क्यों दरकिनार किया जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है? सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं अगर जो अनुबंध कर्मी को अगर परमानेंट करना है तो डायरेक्ट कर दे, वैकेंसी नहीं निकाले तो हम लोग संतुष्ट है उसमें भी, लेकिन जो वैकेंसी के नाम पर जो बदनाम करेगा मार्केट में जो गलत आप फिर पीठ भी ठोकिएगा कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, आप तो तय कर चुके हैं कि आपको नौकरी किसको देना है, तो फिर ही कम से कम नाटक मत करिए, इस नाटक को खत्म कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, ये लोग भी विरोध नहीं करेगा। जी है? जी आप अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं
तो झारखंड के युवाओं को बरगला कह रहे हैं, आप सीधे उन लोग को नौकरी दे दीजिए, संविदा वालों को नौकरी 15 दिन का आप ट्रेनिंग दीजिएगा, वो भी बिना डॉक्यूमेंट जांच किए, कहाँ से कहाँ कोर्स करके आया है, नहीं करके आया है, नहीं किया है आप। हम लोग जब यहाँ, जबकि होना तो ये चाहिए, जैसे टीचर लोग को नियुक्त करता है, टीचर लोग का जांच में सर्टिफिकेट फर्जी निकलता है, तो लोग पर फ्रॉड का केस करके जितना तनख्वाह दिया गया वापस लिया जाता है, जेल भेजा जाता है। तो इन लोगों में ही तो किसी का जान के साथ ही तो खिलवाड़ है। उन लोगों के पास कोई जाएगा, एनेस्थीसिया की जगह पता चला कि हेमोग्लोबिन चढ़ा दिया है, तो गजब बात है ना जी। ये तो गजब बात है। और दूसरी बात है कि जल्द से जल्द इसको रोका जाए और इस पर जांच हो और आप लोगों की मांगों को संज्ञान में लिया जाए ना। तो देखिए यही बात है राजू दा, कुछ और कहना हो अगर तो आप कह सकते हैं। देखिए अंतिम में यही बोलना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग और अनुबंध में आपको थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं। वो व्यक्ति जिसको आप 50 नंबर का वेटेज दे रहे हैं, तो उनका भी जो नियुक्ति हुआ था उसका मापदंड में यही है कि अनुबंध के आधार पे जो आपको नियुक्त किया जा रहा है 1 साल के लिए, ठीक है, और कभी भी नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यह आउटसोर्सिंग में, आउटसोर्सिंग में भी यही चीज है कि आप 1 साल के लिए काम कीजिए और जब तक टेंडर इस कंपनी का है, उसके बाद आप कभी अस्थाई का दावा नहीं कर सकते। जब वो अस्थाई का दावा नहीं कर सकता है उसका नियम में, और इसका नियम में भी दावा नहीं कर सकता है, तो दोनों व्यक्ति सेम है कि 1 साल के बाद आपको रेन्यूअल किया जाएगा, रखेगा तो हटाया जाएगा, चाहे अनुबंध का हो चाहे आउटसोर्सिंग। जब उसको आप इतना ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उस आधार पर इसको भी तो प्राथमिकता मिलना चाहिए। हमको सबसे ज्यादा एतराज इस बात का है कि ऐसे लोगों को आप फॉर्म भरने का अनुमति दे रहे हैं जिसका सर्टिफिकेट फुली जाली है। बिल्कुल, ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो फ्रॉड लोगों को अस्थाई करने का ये सरकार की ये साजिश है, जिसका जिसको सामने जेसीसी को सामने रख के फ्रॉड करने का काम सरकार कर रही है। यहाँ तक कि गजट का नियम का भी पालन करने का काम सरकार जो गजट बनाई हो गजट का भी पालन नहीं किए, ये सरकार ने अपने से बनाया गजट का भी पालन नहीं किया। हमको मीडिया के माध्यम से सरकार से इस बात को हमको जानकारी चाहिए, वह हम उनके माध्यम से बात को रखना चाहते हैं कि आपने जो नियुक्ति नियमावली बनाए, इस नियुक्ति नियमावली में इतनी सारी जो नियम बनाए वो किसके लिए बनाए, सही बात है, ये नियम आप किसके लिए बनाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए, विश्व युवा दिवस के दिन युवाओं के चेहरों को देखिए, इधर दिखाइए, देखिए इन तमाम चेहरों को देख लीजिए, ये फरियाद लगाने वाले युवा हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो नियुक्ति नियमावली आपने बनाया है, आपने खुद ने बनाया ना ये नियुक्ति नियमावली, जब आपने खुद ने बनाया तो फिर आपके जो अधिकारी हैं वो इस नियुक्ति नियमावली को रॉकेट बना के उड़ा क्यों रहे हैं, आखिर इसको मजाक क्यों बना दिया गया है। आप जिसको नौकरी दे रहे हैं आप उसके सर्टिफिकेट की तो जांच करेंगे, आप उसके सर्टिफिकेट की भी जांच नहीं कर रहे हैं। एक आदमी के लिए आपने 10th का नियम रख दिया, एक के लिए आपने 12th का नियम रख दिया, 10th के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स किया उसको और जो 12th के बाद जिसने डिप्लोमा कोर्स किया उसको, आपने दोनों को बराबर, लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन, नाम से ही समझ लिया, लैब टेक्नीशियन जो लैब के सारी टेक्निक्स को समझता है, लैब अटेंडेंट जो लैब टेक्नीशियन का सहायक होगा, डॉक्टर और कंपाउंडर को आप बराबर कैसे रख सकते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कम से कम इन युवाओं को जवाब तो दीजिए, यही सही विश्व युवा दिवस होगा। सहयोगी प्रवीण के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची।